नॉर्मल खाने पीने की वीडियोस तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज वाली वीडियो थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि ना केवल इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की सबसे फेमस ब्रेड दिखाएंगे, बल्कि इस ब्रेड के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही ट्रेजिक लव स्टोरी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक ब्रेड दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिला देती है, जिन्हें दुनिया मिलने ही नहीं देती, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और जिस ब्रेड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम होता है बाकर खानी। और इससे पहले कि हम आपको इस ब्रेड की मेकिंग समझाएं, हम आपको बताएंगे इस बाकर खाने के पीछे जो लव स्टोरी छुपी है। तो बात शुरू होती है सन 1700 में, जब औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल सूबे का दीवान बनाकर ढाका भेजा। उसके साथ गए उनके कमांडर और दामाद मिर्जा आगा बाकर को। वहां आरामबाग की एक डांसर खानी बेगम से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, बट उनके इश्क को नजर लगती है वहां के वजीर के बेटे की, जिसके एडवांसेस को खानी बेगम रिजेक्ट कर देती है। तो वो खानी बेगम को किडनैप करके भाग जाता है। मिर्जा बाकर उनका पीछा करता है और जंग में वजीर के बेटे को हराकर उसे मार तो देता है, लेकिन जब वो खानी बेगम के पास पहुंचता है तो पाता है कि उसका पहले ही कत्ल हो चुका है, और खानी बेगम बाकर की बाहों में ही अपना दम तोड़ती है। इन दोनों की इस ट्रेजिक लव स्टोरी से इंस्पायर होकर ही वहां के बेकर बाकर की सबसे फेवरेट ब्रेड का नाम बाकर खानी रख देते हैं, कि खानी बेगम भले ही बाकर को इस जीवन में ना मिल पाई हो, लेकिन आने वाली कई सदियों तक बाकर और खानी का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ ही लिया जाएगा। तो ये जो बाकर खानी होती है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार किया जाता है, जिसमें आधी मैदा ली जाती है, आधा खोया लिया जाता है। उस डो से वीडियो की शुरुआत में एक बहुत मोटी सी रोटी तैयार की थी इन्होंने, जिसको बेल बेल कर इन्होंने पतला करके इस लकड़ी की चौकी के ऊपर फैला दिया था। उसके बाद इसके ऊपर देखिए मैदा डालते हैं, मैदा के ऊपर घी डालते हैं और उसका पूरे के ऊपर लेप लगा देते हैं। और ये प्रोसेस कोई एक बार या दो बार नहीं होता, ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है कम से कम भी 15-16 बार। मैदा ली जाती है, मैदा डाली जाएगी, घी लिया जाता है, घी डाला जाएगा और हाथ से उसको इसके ऊपर पूरा फैलाया जाएगा और फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। तो मैदा और घी की इस जुगलबंदी से यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स तैयार हो जाती है, जो कि आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन उससे बाकर खाने का जो आइकॉनिक टेक्सचर होता है वो आता है। और ऐसा नहीं कि केवल मैदा और घी ही डाला जाता है, बल्कि बीच बीच में इसमें चीनी भी डाली जाती रहती है इसको मिठास देने के लिए, लेकिन उसके ऊपर फिर से मैदा और घी डाल के इसको कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स बनाने के बाद फाइनली इसका ये बैटर तैयार होता है। उसे फिर बीच से कट किया जाता है और इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन टुकड़ों के भी देखिए और छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं यहाँ पर, और इन टुकड़ों में से भी और छोटे टुकड़े तोड़े जाते हैं, और तोड़ने के बाद उन्हें रोल किया जाता है और उनके गोले बना के रख दिए जाते हैं। उसके बाद इन्हें लिया जाता है और बेलकर चपटी शेप दी जाती है, और इनमें एक निशान लगाकर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। तो इसी तरीके से इन सभी गोलों को शेप दे दी जाएगी चपटे वाली, जहां से इन्हें लिया जाएगा और लगा दिया जाएगा तंदूर में। तो आप देखिए छोटी छोटी बहुत सारी चपटी शेप की अपनी बाकर खानी लगा दी गई है तंदूर में, जहां पर कोई 10 से 12 मिनट तक तंदूर में अच्छे से पकेंगी, उसके बाद इन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो अभी देखिए अपनी बाकर खानी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, जहां से इन्हें पैक करके कस्टमर्स को सेल कर दिया जाएगा। प्राइस होता है इसका एक बाकर खानी का 8%, यानी कि लगभग 6 इंडियन रुपीज, और एक किलो आती है ये 150 इंडियन रुपीज की। खैर आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा आपको ये डिश कैसी लगी, और क्या आप बाकर और खानी की इस प्रेम कहानी से जुड़ी हुई डिश को खाना चाहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।